इतनी सफाई करके इतनी धूल घुसा ली अपने मुंह में कि स्टीम लेने की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि ऐसे पागल नहीं होते सफाई के चक्कर में। तो गला खराब है, मैं तुम्हें इतनी धूल मिट्टी उड़ाने की क्या जरूरत थी, आज ही सारी धूल मिट्टी निकाल दी। तो कौन करता, नहीं कौन करता, तुम भी हेल्प कराओगे मेरी कल? कल तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है मेरी, मैं एक सेकंड अमिता, धूल मट्टी पर उड़ाना। मेरा ना हो गया जुकाम अंदर, अभी मैंने स्टीम वगैरह ली है, 15 मिनट स्टीम ली है। मेरे ना ये भी भारी हो रहा है और अंदर भी यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, और ना मेरे को इसको यहीं पे यहीं खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बढ़ गया ना तो मेरा बहुत बढ़ता है फिर, बहुत ज्यादा। और मैं आपको दिखा दूँ, देखो पता नहीं एक चीज ठीक नहीं होती दूसरी चीज खराब हो जाती है। यहाँ में हमने फ्लोरिंग कराई थी ना, फ्लोरिंग वो निकलने लग गई है बेसिकली। इसमें ना पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, देखो पानी दिख रहा आपको? तो ये अब मेरे को ये खोल के चेक करवाना है यहाँ से कि भाई कहीं कहाँ से लीकेज हो रही है, समझ नहीं आ रहा। इतनी मेहनत से, इतना प्यार से कराया था और पूरी फ्लोरिंग यहाँ से उखड़ गई है। देखो उखड़ ही गई है, आपको दिखाई देती है उखड़ गई है, देखो ये देखो। तो हम लोग ये ऐसे से ना डाल डाल के इसमें से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जितना करते हैं ना उतना पानी निकलता है। तो अब ये दिखवाना जरूरी है, अभी प्लम्बर को बुलवाती हूँ, दिखवाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो देखो अविनाश तो गया हुआ है थोड़ा मड आइलैंड, उसको थोड़ा काम है, अपना काम वाम खत्म करके वो आएगा, तो फिर हमारी मीटिंग है उसके लिए दोबारा निकले। तब तो मैं सोच रही हूँ जितनी चीजें हो सकती हैं वो कर लेती हूँ, लेकिन एक चाय पीने के बाद। अमिता रोक, रोक, रोक। मैं आई, मैं एक सेकंड आई, इसका मैं यही पे काम तमाम करूंगी जो ये चीजें उड़ रही है ना। अमिता को तेरे को याद आ रहा है ये जो था ये सॉफ्ट के लिए था या हार्ड सरफेस के लिए था? ये सॉफ्ट के लिए था। तो हार्ड के लिए कौन सा था? नहीं नहीं हाँ। अरे नहीं भाई, इसके लिए कौन सा वाला था? इसके यही लिए था, यही था। पक्का हाँ। करके देखूं, कसम खा। नहीं अमिता ये नहीं है, यही इसके लिए। मुझे लगता है ये था, भूल गई हूँ मैं भी। अमिता तेरे को याद है इसी के लिए था कि नहीं? जरा बताना दोस्तों, मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत जा रही हूँ। एक और था ना अमिता, पतला था। अरे देखो भाई इसी की मिट्टी है, मेरे को इसकी बाकी अटैचमेंट दिखा जरा। उनका वैसे तो मुझे लगता है कि ये नहीं था चलाने वाला, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ना पता है अभी कंफ्यूजन हो रहा है, इतने दिन हो गए ना चलाया नहीं। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी मिट्टी कितनी आई है। देख अमिता ये देख, बालों मिट्टी तो आए हैं इसके अंदर खतरनाक वाले। ये तो ऐसा लग रहा है टाइम पास वाला काम है। नहीं अमिता क्या बात बोल रही है तू, देखो मालूम है इसके अंदर कितने बाल जा चुके हैं अभी तक। पता क्या है, और कुछ नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा ये कि कौन सी अटैचमेंट किस में क्यों किस लिए लगती है, वो भूल गई हूँ मैं। लेकिन अगर तू देखेगी ना, अगर मैं इसको हटा दूँ और ये लगाऊँ, मेरे ख्याल से तो ये फ्लोर का था। ये तो नीचे का है क्योंकि इसमें तो लाइट भी जलती है, ये नीचे का है। अभी तो झाड़ू भी नहीं लगाई, थोड़ा कचरा ही होगा। हाँ तो देखते हैं। ये देख बोल तू क्या बोल रही थी है? तूने मुझे ये बात कैसे बोली कि ये सही नहीं है? इतना बढ़िया मामला है अमिता, ये सिर्फ हमको ना पता समझना क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद एक्चुअली गैप हो गया ना, तो अभी ना वो हम लोग ये भूल गए हैं, हम लोग क्या, मैं ये भूल गई हूँ कि कौन सी चीज किस पे लग गई थी। मेरे को दोबारा समझ पड़ेगी, मैं कैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के आती हूँ। मैं आपको बता दूं इतनी कमाल की चीज है ना ये, मैंने अभी पूरा घर इससे साफ किया, इससे क्लीन किया, और ये देखो जरा मिट्टी, ये जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको ये पूरी? अब मैं इसको क्लीन करूंगी और फिर शुरू करूंगी। और मैंने पूरे घर में मतलब बहुत डीप अंदर
अंदर तक क्लीन हुआ है और अभी मैं समझ रही हूँ अलग बात है, लेकिन डीप अंदर तक क्लीन हुआ है भाई साहब, मजा ही आ गया इसके साथ तो। मेरे को बहुत मजा भी आ रहा है पता है। ना चिंचू ना गुगू, किसको भौंक रहा है? अपने आप को देख के भौंक रहा है। तो आज ये वाला सेक्शन भी थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन मेरी ट्रॉफीज वगैरह सब क्लीन कर रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर से जो कोनों में से जो कूड़ा निकला है ना भाई, अभी थोड़ा सा अगर मैं इसको और समझ लूं तो मेरे लिए और बहुत इजी हो जाएगा। मेरे को ना ऊपर दीवारों पे भी पहुंचना है कोनों में, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। समझती हूँ, बट आई एम सो हैप्पी। और अमिता ने कहा इसी खुशी में आपने झाड़ू लगा दिया तो मैं चाय बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि अमिता का काम मैंने कर लिया। तो जी वक्त आ गया है आपको कूड़ा दिखाने का, कि आपको मालूम पड़े हमने कितना काम किया। इधर बाहर लिया, किचन से बाहर लिया, और ये देखो, ये देख लिया अमिता, इतने बाल निकले हैं, ये लो जी। हो देख लिया आपने, जरा कूड़ा देख लो, दिखा दोबारा दिखा। ये मैंने किया अपने हाथों से, अब इसको थोड़ी देर चार्ज करने रखती हूँ, फिर आऊंगी दोबारा। लेकिन ना थोड़ा डस्ट से मैं दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी होगा एक चाय ब्रेक। तो जी मेरे गले के लिए अमिता बना रही है जबरदस्त चाय। इसमें क्या क्या डाला अमिता? काली मिर्च अदरक। ये मिला पापा मुर्गे से खेल रहा है, मेरा चेहरू। ओ ये मिला बच्चा, मेरा बच्चा, ये मेरी चेहरी, ये खेलती है ना भाई, मेरे को इतनी खुशी होती है ना। देखो छोड़ नहीं रही है मुर्गे को, अब अकेली खेल रही थी पता है। वो भी लेके बैठा है। हाँ वो भी लेके बैठा है। दे दो मुर्गा मुझे, दे दो मुझे, दे दो ना मुर्गा, मुझे दे दो मुर्गा, दे दो मुर्गा। चले लेट हो रहे हैं। हाँ चलो चलो। जी मेरी दवाई मुंह में दवाई है, उसमें मत जाना, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ। मैं हूँ अविनाश टूपर के साथ। अविनाश अभी गया है क्योंकि उसकी स्टोरी सिटिंग थी, तो उन्होंने कहा तो जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम चाय पीने जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं चाय वाय पियेंगे। मैंने कुछ दवाइयाँ भी ले ली हैं, इस पे मत जाना दोस्तों, ये तो ऐसे ही है। एक कंडीशनर भी ले लिया, बाकी सब मेरे गले के दवाई है। मैंने आपको बताया ना मेरे गले में बहुत दर्द है, मैंने कहा हनीटस वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि लग रहा है कि गला ज्यादा जाएगा मेरा, और गला गया ना मेरे गले से तो मेरी बैंड ही बच जाती है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, अगर आज ठीक नहीं हुआ तो भाई कल डॉक्टर को भी दिखाना पड़ सकता है, ऐसा भी है मेरा सब। तो लग भी अंदर ना पूरा जुकाम घूम रहा है मेरे। चाय पिला दो, मैरिट चलते हैं, मैरिट ही चलते हैं, क्या ही रखा है जिंदगी में। अविनाश चलिए चलिए, फॉर अ चेंज में चाय पी रही हूँ। तो जी हमारे यहाँ नीचे बहुत सारा पानी निकल रहा था इसके नीचे से, हमारी सारी टाइले वुडन वर्क खराब हो गया था। बाद में पता चला कि हमारा वॉशिंग मशीन लीक कर रहा था, अभी तार बदला है भैया ने, मतलब कि आपने देखा लीक होते हुए, मुझे भी दिखाया लाइन निकलता जा रहा था। तो भैया अब ये अब फ्लोर वाले को बुलाए हम चिपकाने के लिए, सब निकल गया इधर से। अभी क्या करना है? 15 दिन के बाद बुलाइए, जब तक ये सूख ना जाए। अच्छा तब तक तो ये अकड़ के निकल जाएंगी पूरी, कोई भी आएगा तो निकाल के ही लगाएगा। इसके अंदर जो पानी गया ना वो सुखाएगा पहले। अच्छा पानी लेकिन खुशखबरी की बात है कि विराट कोहली ने बराबरी कर ली है सचिन तेंदुलकर के शतकों की, 49 शतक हो चुके हैं आज। और इसी के साथ इस दोनों मूवमेंट को हम दोनों भाई एंजॉय कर रहे हैं, हमने आज राइटिंग को मना कर दिया है। अरे घर के प्लम्बर आया है, वॉशिंग मशीन ठीक करी है, तुम क्या बता रहे हो? अरे यार विराट कोहली ने दुनिया में सबसे ज्यादा शतक मारे थे सचिन तेंदुलकर ने, आज उसकी बराबरी कर ली है 49 सेंचुरी। और आज बर्थडे है लड़के का, अपने बर्थडे पे अपने आप को इतना बड़ा गिफ्ट कौन दे सकता है? ओनली एंड ओनली किंग कोहली। तो जी भारत ने बहुत जबरदस्त मार लिया है, लगा है। क्या बोल रही हो? क्या मारा भारत ने? भारत ने 329 हटो देखने दो ना, 328 है कि 329 है। भारत ने 329 मार दिया दोस्तों, समझ में आए ना आए, लेकिन नाचो, नाचने के लिए कुछ समझ नहीं चाहिए। क्या बैठा जा रहा है? अंडा पराठा। देखो कितने कोइंसिडेंस है, विराट कोहली ने अपने करियर का पहली सेंचुरी इसी ग्राउंड में मारी थी। वाह, जहां बराबरी की है सचिन की वो भी इसी ग्राउंड में मारी है, और आज लड़के का बर्थडे भी। वाह वाह विराट कोहली वाह। तो जी आप देख सकते हो मैंने ना इतना कचरा ऑलरेडी निकाल लिया है, हम लोग शाम से लगे हुए हैं, और इतना ओ देख लिया पिता, ये देखो सारा कचरा। अब ये देखो ये वाला कचरा है ना,
तो जी आप आज का जब तक अभी अविनाश बिजी है तब तक देख लो, हमने इतना कचरा ऑलरेडी निकाल लिया, दिखा जरा अमिता, ये देखो इतना कचरा भी हमने और निकाला है। अभी काफी सारा काम है लेकिन मैं सारा तो नहीं दिखाऊंगी आपको, लेकिन जितना जितना होता जाएगा मैं करती जाऊंगी। अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी मेरा काम खत्म हो गया, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा मैच, और संभावना ने बिल्कुल काम नहीं करने दिया। भाई साहब इस औरत ने उसी रूम में जिसमें बैठा हूँ ना सारे हथियार लेके आ रही है, पता है गनमैन की तरह आ रही है, एनकाउंटर करने आ रही है। कभी कोई इक्विपमेंट लगा के ये देखो दीदी, तुम्हें अभी करना था क्या ये वाला रूम? बाद में नहीं कर सकती थी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो? अरे भाई दिवाली आ रही है ना, मजा ही आ गया। अरे पूरे घर में धूल धूल कर दी बेबी, ओहो पंखा बंद करूँ क्या? अरे बस करो यार। अरे यहाँ तो पोछा भी लग जाएगा, हर जगह ड्राई, ये वैक्यूम क्लीनर मारोगी क्या? नहीं नहीं मेरे को मिट्टी बहुत लग रही है भाई, अब मैं नहीं देख पाऊंगी ये। अरे पता चेरी की ना पूंछ भी आ गई थी। चेरी की पूंछ को वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, इतनी सफाई करके इतनी धूल घुसा ली अपने मुंह में कि स्टीम लेने की जरूरत पड़ गई है। तभी ऐसे पागल नहीं होते सफाई के चक्कर में। अरे मेरा गला खराब है ना, तो गला खराब है मैं, तुम्हें इतनी धूल मिट्टी उड़ाने की क्या जरूरत थी? अरे जुकाम लगा हुआ ना मेरे को, तुम्हें पता नहीं है बात? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत थी? आज ही सारी धूल मिट्टी निकाल दी तो कौन करता? कौन करता? जितने दिन ठीक थी उतने दिन नहीं किया, उतने दिन खाली मुंह से बोला डीप क्लीनिंग डीप क्लीनिंग डीप क्लीनिंग। अरे लेकिन कभी किसी चीज में व्यस्त हो जाती थी या कभी किसी चीज में कुछ हो जाता था, नहीं कर पा रही थी। आज जैसे मौका मिला मैंने कहा कर दूंगी, भूल गई कि धूल धक्कड़ से मेरा और हालत खराब होगा। अब ना के मैं स्टीम ले रही हूं। अब तुम्हारी वैक्यूम क्लीनिंग कौन करेगा जो अंदर मिट्टी गई है? मेरे तो जुकाम का पता ना कैसे दिक्कत है दोस्तों, मुझे बहुत बुरा हो गया। वो क्यों छुपी हुई नीचे उसके? तुम भी हेल्प कराओगे मेरी कल? कल तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। देखा, जब तक मैं नहीं कर रही थी तो मुझे गाली पड़ती है, कोई काम नहीं करती, कुछ नहीं करती। जब मैं करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब मेरी हेल्प कर दो तो कहते मैम मेरे पास टाइम नहीं। फिर तुम मेरी हेल्प कराओगी कल राइटिंग में? हाँ करा दूंगी। क्या लिखोगी? मैं लिखूंगी कि जो ब्रजेश वहाँ से जा रहा था। नहीं एक मर्डर मिस्ट्री लिखनी है, बताओ कहानी। मर्डर मिस्ट्री सिंपल है, जो जिसने खून किया है उसके हाथों से हो गया। अच्छा। जिसने कराया है उसने बताया कि मैंने नहीं किया, करा इसी ने है। अच्छा। लेकिन उसके हाथों से हुआ है, उसने करा नहीं था। मतलब जहाँ किसी और ने था वो किसी और से गया। अच्छा, और पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है? पुलिस तो मतलब देखो पुलिस अपना काम करती है हमेशा, तुम बताइए। ये तो फ्लॉप से भी फ्लॉप पिक्चर की स्टोरी है। ठीक है मर्डर मिस्ट्री ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक रात बहुत बारिश हो रही थी और बारिश में इंसान फिसल गया है, दो लोग जा रहे थे, एक फिसल गया। फिसला वो हीरो की विलन है कि हीरोइन है, कौन है वो? कोई है। अच्छा, तो फिसल गया। अब ये एक्चुअली फिसला है या फिसाला गया है? ये केस बनता है, ये केस है। और जब केस सॉल्व हुआ तो कैसे पता चला कि कैसे उसको फिसाला गया है? केस ये पता लगा कैसे जिसको फिसाला गया है और जिसको फिसला हुआ लोग समझ रहे थे वो था ही नहीं। वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो फिर फैसला कौन है जब वो प्रेजेंट ही नहीं था? वही है। तो ये तुम ऑडियंस को बताओगी नहीं? नहीं, ऑडियंस खुद सोचिए। वही तो जब निकलेगी ऑडियंस तब वो सोचेगी और तब मैं एक गाना डालूंगी बीच में। जब वो निकल जाएगी हॉल से ऑडियंस तब गाना आएगा। जब निकल रही होगी ना हॉल से ऑडियंस मैं अपना गाना डाल दूंगी क्योंकि मेरी भी खुरक पूरी हो जाएगी। आइटम नंबर आ जाएगा वहाँ पे, नंबर आएगा और आइटम नंबर जैसे उसका घाघरा फाइनली हटेगा नीचे लाश पड़ी होगी। भाई डांसर तो अपने अकॉर्डिंग ही सोचेगा ना, मैं क्या करूँ? मेरे को इस इंडस्ट्री ने जिसने काम भी दिया मैं तो अभी तक वही कर रही हूँ ना। और फिल्म का नाम क्या? खूनी घाघरा। खूनी खेल। तो दोस्तों इसी वाहियात कहानी के साथ आप लोगों के कमेंट्स की दरकार है कि आप इस फिल्म को जो संभावना ने लिखी है अभी इसको 5 में से कितनी रेटिंग देते हैं? आप माइनस में भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। दोस्तों आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट। ये तो देख लो कुत्ते ने भी शर्म से मुंह छुपा लिया कि मेरी माँ की कहानी थी। देखो तो देखो चुच्चू सोचे कहाँ मुंह छुपाऊं, कितनी घटिया कहानी सुनाई है।